तो ये गाइस हमारे दोनों टर्टल्स, तो गाइस ये हमारे ड्राइवर्स, ये 1 केजी और ये 1 केजी है। तो मैंने ये ड्राइवर किया जो जगह है, लेट्स सी जितना यूजर होता है यूज करेंगे और फिर देखते क्या किया जाएगा। हां तीखा फीका लग रहा है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा ग्रीनरी ऐड की जाए, तो उसके लिए तो वेलकम बैक गाइस टू चैनल। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने दो बेबीज ऐड किए थे रेडियल स्लाइडर्स की, एक मेल था एंड द अदर वन वाज फीमेल। तो हमारे टर्टल्स को आके हो चुके हैं 12th day, आज 12th day है। तो मैं 6-7 दिन के लिए आउट ऑफ टाउन था, तो इसलिए मैंने अपडेट नहीं दिया। और बहुत से लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज किया, मैं हमारे जो इंडिया एक्वेरियस का पेज है इंस्टाग्राम पर, आपने अगर फॉलो नहीं किया तो आप उधर भी फॉलो कर दो। तो बहुत से लोगों ने वहाँ पर भी मैसेज किया एंड कमेंट, लास्ट वीडियो के कमेंट्स में बहुत कमेंट्स आए थे कि हमें इन टर्टल्स की अपडेट चाहिए, कि टर्टल्स को रखते कैसे हैं, टर्टल्स की कंडीशन, मतलब बचपन में टर्टल्स को क्या होता है क्या नहीं होता, इलनेस एंड ऑल। एंड देन सम ऑफ द पीपल ऑल्सो आस्क कि टर्टल्स क्या होते हैं, टॉर्टोइस क्या होते हैं। तो देखेंगे, थोड़ा उसके बारे में जानेंगे। बट आज मैं देने वाला हूँ टर्टल्स की अपडेट, जो कि आज 12वां दिन है हमारे टर्टल्स का। अभी तक तो वैसे सब अच्छा चल रहा है। तो आज अब मेन चीज़ है कि अपडेट दूंगा। नेक्स्ट ये है कि हमारा ये जो टब है, ये जो हमने लाया था, आपको पुरानी वाली वीडियो में पता चल जाएगा कि हमने कुर्ला मार्केट से लाया था और कौन सी दुकान से लाया था। मैं यहाँ पर बटन में डाल दूंगा वीडियो का लिंक, तो आप वो वीडियो एक बार चेक कर लेना। तो हम इसको करेंगे स्केप, और बिकॉज ये टर्टल सेटअप है, इसमें टर्टल्स रहेंगे, तो इसको मैं फिल्टर वगैरह नहीं लगाने वाला, विदाउट फिल्टर रहेगा। और जो सेटअप होगा वो इतना इजी होगा कि हम रोज़ पानी चेंज कर सके और हमारा सेटअप बिगड़े भी ना। और हाँ बस वही है। तो आइए पहले हम अपने टर्टल्स की कंडीशन और हेल्थ देखते हैं। अच्छा, तो ये है गाइस हमारे दोनों टर्टल्स, देख रहे हो आप, बहुत ज़्यादा एक्टिव है और इन लोगों की आँखें भी एकदम क्लियर है। टर्टल्स को होता है ना कि आँखों में झिल्ली आ जाती है, उसके लिए ड्रॉप देना पड़ता है, वो मोस्टली होता है बिकॉज ऑफ अनहेल्दी कंडीशंस और इम्प्रॉपर वाटर पैरामीटर्स, जो कि हमारे टैंक में तो ऐसा कुछ नहीं है। और टर्टल्स की हेल्थ, आई कंडीशन फिलहाल तो बहुत अच्छी है। तो ये दोनों टर्टल्स हैं, नामकरण तो हुआ नहीं है इनका अभी तक, बट ये वाला मेल है, वो भैया ने मुझे बताया था कुछ, तो कैसे बताया था वो मुझे अभी तक नहीं पता। और ये वाला है, ये वाली है फीमेल, देखो पता नहीं कैसे बताया था, बट मुझे तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है या पता नहीं चलता। बड़े वाले में बता सकता हूँ, बट छोटे वाले में मुझे अभी तक पता नहीं चलता कि छोटे वाले में मेल कैसा है फीमेल कौन सा है। तो इसका नाम भी हमने नहीं रखा है, 12 दिन हो गए अभी तक नाम भी नहीं रखा है। तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएं ज़रूर कि नाम क्या रखना है दोनों के। तो जैसे ही मैंने बताया, एक मेल है और एक फीमेल है, तो आप हमें बता देना कि आप लोगों को नाम क्या चाहिए टर्टल्स के, ठीक है। तो अभी हम लोग, ये जो हमारा पॉन्ड है, ये हमारा टब है, इसको हम लोग करने वाले स्केप। तो यहाँ जो है ये पानी, पानी वाला पोर्शन रहेगा ताकि टर्टल्स यहाँ पर पानी में जा सके, और फिर जब उनको बाहर आना है तो वो यहाँ पर आ सके, ये बास्किंग एरिया रहेगा। बट ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पर, ये अगर ये टर्टल चढ़ के यहाँ चले जाते तो वापस ऊपर नहीं आ पाते, बिकॉज दे आर टू स्मॉल। ये देखो बहुत ऊँचा है, ये देखो नहीं आ पाएगा टर्टल्स दोनों अगर यहाँ पर चले जाते, जो कि ये बहुत बार करते हैं, हर बार दिन में 4-5 बार मुझे उनको वापिस उठा के ऐसे लाना पड़ता है, बट वो फिर भी वहाँ पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे कुछ फिल करना है, तो मैं भी ग्रेवल वगैरह मैं फिल करने वाला हूँ और कुछ प्लांटिंग करूँगा। यहाँ पर मैं इसको खाली रखूँगा, बिकॉज यहाँ पर क्या रखेंगे, खाना रखेंगे तो वो पानी से सौगी हो जाएगा, सब जगह गंदा कर देगा और वाटर पैरामीटर्स ख़राब हो जाएंगे। यहाँ पर भी वही सीन है, तो देखूँगा यहाँ पर। बट यहाँ पर तो हमारा फिलहाल तो फिक्स है कि यहाँ पर मैं अभी ग्रेवल डालूंगा, उसके ऊपर कुछ झाड़ वगैरह लगा दूंगा, जो टर्टल खाए या ना खाए चलेगा, खाए तो भी चलेगा, फ़र्क नहीं पड़ता। और ये अपना वाटर वाला एरिया रहेगा, और पानी हम लोग को टर्टल के सेटअप में इतना ही रखना है जितना इनकी हाइट है। ये देखो, समझो ये टर्टल की हाइट इतनी है, तो आप पानी इतना ही रखिए ताकि मतलब वो मुंडी उठाए तो पानी के बाहर वो सांस ले सके। आपको टर्टल को डुबा के नहीं रखना, ये एकदम रिवर वाले टर्टल नहीं रहते रेडियल स्लाइडर्स, इनको थोड़ा पानी के ऊपर रहना चाहिए, इसलिए ऊपर आते हैं बास्किंग वगैरह के लिए। यहाँ पर जैसे ये चढ़ के आएंगे, ये बास्किंग एरिया होगा, और यूवीबी लाइट नहीं लगाने वाला हूँ मैं, बिकॉज ये मेरे, ये जो मेरा टब है, इट विल बी इन माय बालकनी, और बालकनी में मेरे डायरेक्ट सनलाइट आती है दिन में 4-5 घंटे, तो 4-5 घंटे का सनलाइट इस
मोर देन इनफ फॉर एनी टर्टल, टॉर्टोइस के लिए भी इनफ है वो, तो ये तो फिर भी बच्चे हैं और ज़्यादा एक्सेस सनलाइट देने की ज़रूरत भी नहीं होती, वहीं तो उसके ज़्यादा चीज़ें करने एक्सेस करने से भी इशू होता है। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर पहले ग्रेवल फिल कर लेते हैं, आपको मैं बता दूँ कि ग्रेवल कौन सा है। तो गाइज ये हमारे ग्रेवल्स, ये 1 kg है और ये 1 kg है, तो मैंने ये ग्रेवल की सिलेक्ट किया, आओ मैं आपको दिखा दूँ, थोड़ा आपको पास आना पड़ेगा। तो ये देखो, ये जो ग्रेवल्स हैं ये राउंडेड है, इसमें कुछ बोलते ना शार्प एजेस वगैरह नहीं है, क्योंकि हमारे टर्टल्स देखो ऑलमोस्ट इन पेबल्स जितने बड़े, तो अगर हम शार्प पेबल्स लेंगे तो टर्टल को इंजरी वगैरह हो सकती है, तो इसलिए ये मैं राउंडेड पेबल्स लेके आया हूँ। देखो ये 1 kg है एंड दिस इज अनदर 1 kg, तो 2 kg इनफ है यहाँ पर लगेगा, मतलब इसमें दो केजी तो मुझे नहीं लगता पूरा, मुझे लगता नहीं कि पूरा लगेगा इसमें, उसके पहले ही हो जाएगा, तो मैं थोड़ा इधर डाल दूंगा, यहाँ पर डाल दूंगा, क्योंकि यहाँ से भी गिरने का चांसेस है, बट पानी भरा रहेगा तो उनको इतना लगेगा नहीं, तो यहाँ पर मैं थोड़ा डाल दूंगा। और पानी चेंज करने का रहेगा तो यहाँ पर दिया है, ये देखिए यहाँ पर ये दिया है, ये सिर्फ ये निकालना है और पानी नीचे बह जाएगा सारा, और इसमें से अपना ग्रेवल वगैरह भी निकलेगा, बिकॉज अपना ग्रेवल दिस बिग और होल है इतना सा। तो आइए पहले इसको, हमारा जो ग्रेवल है फिलहाल तो इसमें बहुत मट्टी है, तो इसको धो लेते हैं। चलो मैं इसको धोता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। ये एक तक मैंने फाड़ लिया फिलहाल, तो इसको धो लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। ये जो है हमारा स्ट्रेनर है, इसके अंदर पानी डालूंगा, ऊपर से सारा मट्टी बाहर बह जाएगा। तो अपने ग्रेवल्स क्लीन हो गए, और ग्रेवल का कलर देखो, पहले आप लोगों को लगता होगा कि खाली येलो और ब्राउन कलर के ग्रेवल्स है, बट सी कलर देखो, वाइट है, ब्राउन है, येलो है, थोड़ा रेडिश भी है, और ये सारे गोल हैं, मतलब राउंड एजेस हैं, तो इसमें से तो इससे क्या होगा कि हमारे टर्टल्स को कोई भी इंजरी नहीं होगी। सी 2-3 में उठा के दिखाता हूँ आपको, देखो देखो एक भी पेबल ऐसा नहीं है इसमें, पेबल ग्रेवल स्टोन जो भी आप बोलो, जिसको शार्प है, जैसो मैंने अच्छे से हाथ डाल के भी घसा है तो मेरे हाथ को भी कुछ नहीं हुआ। तो देखते हैं, ये मेरे को लगता है वैसे ज़्यादा है हमारे टर्टल्स के लिए जो जगह है, लेट्स सी जितना यूज़ होगा उतना यूज़ करेंगे और फिर देखते हैं क्या किया जाएगा। तो हमारे ग्रेवल्स धो के एकदम टिप टॉप रेडी हैं, तो इसको डालते हैं हम लोग यहाँ पर। तो आओ देखते हैं, सब एक साथ ही डाल देता हूँ, मुझे लगा ही था कि ये ज़्यादा होगा, बस चलता है, ज़्यादा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस कछुए इधर किधर कोने में घुस के अटक ना जाए, बस उसके लिए मुझे करना है ये। अरे चलेगा, ये बड़े बड़े वाले मैं निकाल लूँगा, इसको डाल सकते हैं तो यहाँ पर, बड़े बड़े वाले मैं यहाँ पर रख दूँगा जो गोल गोल हैं, जो फ्लैट है थोड़े, ताकि कछुए लोग जब यहाँ पर जम मारे तो उनको फिर भी लगे ना। मेरे भैया फ्लैट है, बट इवन इफ इट इज़ फ्लैट, इसको एजेस राउंड है, ये देखो रफ एजेस नहीं है, शार्प एजेस नहीं है, तो इसलिए मैंने ये वाला पेबल या ग्रेवल सिलेक्ट किया। तो फिलहाल तो मैं चपटे वाले ग्रेवल जो है ये ऐसे वो यहाँ पर निकाल के यहाँ डाल रहा हूँ, और ये जो ग्रेवल्स है ये मिक्स जो कलर के ग्रेवल्स है ये ज़्यादा महंगे भी नहीं है, मुझे ये अपने लोकल शॉप से ही मिला था, मेरे फ्रेंड के शॉप से, अराउंड 50 rupees per kg, तो इसलिए मैंने 2 kg ले लिया। वैसे एक्चुअली मैं एक ही किलो लेने वाला था, आई थॉट कि 1 kg में हो जाएगा, बट आई वॉज रॉन्ग, और 2 kg पूरा लगा है। हाँ थोड़ा ज़्यादा है हल्का सा, वो इधर हम लोग डाल देंगे तो अच्छा ही हो गया कि 2 kg लिया है हमने। यहाँ पर एक मैं जस्ट एक चढ़ान टाइप बना दूंगा ताकि कछुए लोग जम मारे तो लगे ना, और आपको तो पता है कि इसको उठाना नहीं पड़ेगा या ऐसा पलटना नहीं पड़ेगा पानी साफ करने के लिए। ये देखो यहाँ पर हमारे जो कछुए हैं, तो यहाँ पर सिर्फ जब धोना है ये निकाल लो, पानी सारा ड्रेन हो जाएगा। वैसे इसमें पानी ज़्यादा तो होगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा
मैंने डाला था तो 1.5 लीटर के आसपास पानी था एंटी क्लोरिन डाल के, ताकि कछुओं को क्लोरिन से भी कुछ इश्यू ना हो। तो पानी का ज़्यादा होगा नहीं, और जैसे आप ये खोल लोगे नॉब वो सारा पानी बह जाएगा। तो इट्स इनफ आई थिंक ऐसे, तो क्योंकि यहाँ पर वैसे अभी तक इतने दिन मैंने देखा कछुए यहाँ से नीचे नहीं आए, वो यहाँ से ही नीचे आते, और फिर यहाँ से उनको भी इतना तो पता चलेगा कि उनको यहाँ से नीचे उतरना है, तो यहाँ से नीचे उतरते हैं और यहाँ आ जाते हैं, फिर यहाँ से चढ़ते हैं और यहाँ पर नीचे कूद जाते हैं। तो ग्रेवल तो हमने प्लेस कर दिया है अपने पॉन्ड में, पॉन्ड बोलो या टब बोलो, तो बहुत सूना सूना फीका फीका लग रहा है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा ग्रीनरी ऐड की जाए। तो उसके लिए मैंने ये अपना मनी प्लांट है, मार्बल्ड मनी प्लांट, उसको मैंने, ये मेरा प्लान था पहले से ही, तो मैंने पानी में डाल के रखा था। ये आप ऊपर देख सकते हो, यहाँ पर ये छोटा सा बेटा फिश वाला है, ये देखो इसके मैंने डाल के रखा। तो इसमें क्या होता है कि जब ये मनी प्लांट 6-7 दिन पानी में रहता है तो ये रूट ग्रो कर लेता है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये देखो ये रूट है, ये जो है दिस इज अ रूट। तो ये पानी में हम लोग ऐसे डाल देंगे तो भी ये मनी प्लांट ग्रो होगा, और मनी प्लांट को वैसे आपको तो पता है सॉइल की ज़रूरत नहीं होती या किसी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत नहीं होती, पानी से उसका काम चल जाता है। और वैसे भी यहाँ पर मैं अपना ये जो फिश टैंक है, जो साइकिल्ड वाटर जिसे हम कहते हैं, वो यूज़ करने वाला हूँ यहाँ के लिए, ताकि इसमें कुछ मच्छर वगैरह ना हो एंड वो सब चीज़ें बांस वगैरह ना है। वैसे यहाँ का भी पानी मैं चेंज करते रहूँगा हफ्ते हफ्ते, वैसे ज़्यादा कुछ काम नहीं है, बस ग्रेवल निकालना है और वापस पानी चेंज करके पानी में से एक बार धो के वापस डाल देना। तो अभी आओ पास में आते हैं, इसको हम डालते हैं इसके अंदर। तो पहले बड़ा वाला डालते हैं, इसका रूट काफ़ी अच्छा खासा, और जस्ट इसको अंदर हमको घुसा देना है, कुछ करना नहीं है, बाद में इधर ही कैसे भी ग्रो हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कछुओं को वैसे भी ये सब चीज़ें पसंद आती है। कछुए जब अपने क्या बोलते हैं उसको, ओरिजिनल हैबिटेट में जब रहते हैं तो भी पानी के ऊपर सतह पे जो वाटर के ऊपर वुडन लॉग्स होते हैं उसके ऊपर आके बास करने लगते हैं, वो सब कर लेते हैं, तो उनको इन चीज़ों से कुछ फर्क नहीं पड़ा, उल्टा उनके लिए तो ये सब चीज़ें उनको थोड़ा शेड देंगी, प्लस उनको हाइडिंग स्पेसेस देंगी और उनको थोड़ा सिक्योर फील कराएंगी। तो ये दूसरा पीस यहाँ पर डाल देता हूँ, और अपना अपना या ऐसा लेना है ये उंगली ऐसा, क्योंकि अगर आप ऐसा डालोगे तो ये रूट वगैरह टूटने के चांस होंगे और स्टेम टूटने के चांस होंगे, तो इसे ऐसे उंगली के पास चिपकाइए और फिर ऐसे घुसा दीजिए और ये अंदर चले जाएगा, बस दैट्स इट। ये तीसरा पीस हमारा, मेरे को इस पर भी रूट्स अच्छे खासे बहुत बड़े लंबे वाले आ गए, तो इसको भी वैसे ही करेंगे, इसको मैं रूट को अपने उंगली पे ऐसे लगा दूंगा और फिर उसको घुसा दूंगा अंदर। ये देखो ये वाला देखो, ये मुड़ उड़ के एकदम मस्त रूट वगैरह बना दिए, यहाँ पर एक रूट निकल रहा है, यहाँ एक पानी वाला रूट निकल रहा है, यहाँ एक रूट निकल रहा है, सब जगह रूट निकल रहा है। तो ये मतलब ये बहुत जल्दी ग्रो होगा, ये येल्लो है इसका टेंशन नहीं है, वो थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। तो इसको भी यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, कछुओं का कैसा एकदम होमली फील देगा ये, और छोटे बच्चे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के 2-3 दिन इन लोगों ने खाना नहीं खाया था बहुत ज़्यादा, मतलब नॉर्मल थोड़ा सा जो ऐसा हल्का सा निप कर लिया था बस वही से ही खाना खाया था, बिकॉज ये लोग डर जाते हैं बहुत जल्दी, ये छोटे हैं और इनको अपने नए एनवायरनमेंट में एक्लिमेट होने को थोड़ा टाइम लगता है, और जहाँ पर हम लोग जहाँ से लाते हैं वहाँ पर कम से कम 20-25 कछुए एक साथ रखे होते हैं, तो उनको वहाँ पर सिक्योर फील होता है। अब हम लेके आ जाते हैं, एक लेके आ जाते हैं, दो लेके आ जाते हैं, तो फिर वो कछुए भी तरह से डर जाते हैं, तो इसलिए उनको थोड़ा दिन चाहिए होता है, थोड़ा 5-6 दिन चाहिए होता है ताकि वो सेटल हो जाए। तो अब ये सेटल हो गए और ये अपना जो ग्रीन वाला पैलेट होता है कछुओं का वो खाते हैं अभी एकदम अच्छे से, बस मुझे इसको तोड़ के डालना पड़ता है, बिकॉज जो पैलेट है वो इतना बड़ा है, मतलब इनके सिर के साइज जितना, तो इसलिए एक पैलेट को मैं 4 टुकड़े करता हूँ डालता हूँ और ये लोग मस्त हैं खाते हैं। ठीक है, ये तो हमारा सेटअप या हार्डस्केप बोले हैं जो भी एक्वास्केप, वो रेडी हो गया। तो अब यहाँ पर हम लोग डालते हैं पानी, पहले यहाँ पर मैं पानी भर दूंगा थोड़ा सा ताकि मुझे यहाँ पर ऊपर तक पानी दिखे, और फिर बाद में यहाँ पर मैं पानी भर दूंगा। ठीक है, तो अब अपने पॉन्ड में भरते पानी, तो पानी भरने के लिए मेरे पास है ये अपना पुराना वाला बॉटल है, मैं बस उसको ऊपर से कट कर दिए, ये मुझे
टैंक वगैरह टॉप अप करने के लिए बहुत अच्छा पड़ता है, बिकॉज हम अगर मग यूज करते हैं, कभी कभार क्या होता है घर वाले ने कुछ कपड़े वगैरह धोए होते हैं तो उसमें थोड़ा साबुन या सर्फ लगा होता है और वो फिर हमारे टैंक में चले जाता है और मच्छी गया मर जाती है। तो इट्स बेटर कि एक ऐसा बना लो, उसको सिर्फ अपने टैंक पर्पस के लिए यूज करो, टैंक के लिए, कछुओं के लिए या किसी और के लिए भी। इसमें कैसा अपना साबुन का टेंशन होगा, साबुन लगने का या कुछ टेंशन होगा, तो इसमें पानी भर देते हैं। तो आप देखो मैंने तो अपना साइकिल वाटर ही लिया है, इसमें मैं अपना टॉप अप कर दूंगा पानी और थोड़ा सा एंटीक्लोरिन डाल दूंगा, तो वो उधर तो चल जाएगा। बट अभी ये जो कछुए जो है हमारे वो बहुत छोटे हैं, तो इसके लिए मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ कि इनको डायरेक्ट क्लोरिन वाला वाटर ना डालूं, तो इसलिए मैं साइकिल वाटर डाल रहा हूँ। तो पहले यहाँ डाल देते पानी, तो इधर देखो आप लोग, यहाँ पर मैंने जो पानी डाला है वो इतना ही पानी डाला है, एयर पॉकेट्स हैं और थोड़ा पानी चले जाएगा। तो यहाँ पर भी पानी है बट ये डीप नहीं है, या यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कि कछुए कहीं पर अटक जाए वहाँ से बाहर ना निकल पाए, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। तो ये जो यहाँ का पानी है इसको मैं अराउंड एवरी 4 to 5 days चेंज करते रहूँगा, और यहाँ का जो पानी है यहाँ पर हम लोग यहाँ पर भी पानी भर देते हैं, अभी धीरे से भरूँगा। तो दिस इज अराउंड 750 liters, अरे सॉरी 750 ml, 1 liter जो हम लोग बोलते हैं, तो हाफ लीटर यहाँ पर लगा, यहाँ पर 250 ml लगा है, तो मैं और हाफ लीटर यहाँ पर डाल दूंगा। अब आप लोग यहाँ पर देखो मैंने पानी कितना डाला है, ये कछुओं का जो पूरा शेल है वो भी डूबा नहीं है, अगर आपको आप लोग को दिख रहा है तो कछुओं का शेल भी नहीं डूबा है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कछुए ऐसे लेते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि ये एकदम रिवर वाले कछुए हैं, एकदम पानी में रहेंगे, इसे कछुआ लेते हैं और अपने टैंक में इसे डाल देते हैं, कछुए को अपने टैंक में इसे डाल देते हैं। बट ऐसा नहीं करना है हमको, ये छोटे कछुए इनको थोड़ा टाइम लगता है, और कछुए जब भी पैदा होते हैं तो वो सतह के पास होते हैं, उसके बाद वो डीप वाटर में जाना चालू होते हैं। तो इसलिए कभी भी कछुओं का पानी इतना रखना है कि उनके शेल के ऊपर ना जाए, ताकि वो लोग पानी के अंदर भी आराम से मुंडी रख के जो आराम कर सके या सो सके, और पानी के बाहर भी ऊपर भी अपना सांस ले सके। देखो दोनों कछुए, देखो यहाँ देखो इसको, ये भी पानी के ऊपर है वो भी, और उन लोग यहाँ पर खाना डालेंगे तो उन लोग इजीली खा सकते हैं, पानी ज़्यादा डीप नहीं है, ज़्यादा शैलो भी नहीं है, तो इतना ही पानी रखना है। कोई कोई लोग पूरा यहाँ पर पानी, यहाँ तक पानी भर देते हैं, उनको लगता है कि ये तो बास्किंग एरिया है, यहाँ कछुआ बास करेगा, यहाँ तक पानी भर देते हैं, बट दैट इज़ रॉन्ग। कभी कभी ये छोटे कछुए इनको एनर्जी नहीं होती, वो स्विम कर नहीं कर पाते यहाँ तक आने के लिए, तो उनको प्रॉब्लम हो जाता है और फिर कछुए का डेड भी हो सकता है। तो कछुआ है वो, मच्छी नहीं है, तो इसलिए हमको इतना पानी नहीं रखना। हाँ थोड़ा टाइम हो जाए आपका कछुआ जब सीख जाए पानी पानी में रहना, तब आप कर सकते हो ऐसा, बट फिलहाल तो इनको ऐसा ही करना है। देखो यहाँ पर ऑलरेडी खेलना चालू कर दिया, और देखो बिकॉज ये राउंड पेबल्स है, मेरे को टेंशन नहीं है ना ही इनको खुद को टेंशन है, बिंदास वो खेल रहे हैं वहाँ पर। अब मैंने उंगली डाल दी इसलिए थोड़ा चौक गया, नहीं तो खेल रहा है, और दोनों आप देख सकते हो कछुए एकदम एक्टिव है। अभी खाना तो मैं सोचा था डालूं, बट अभी मैंने इनको ऑलरेडी दिन में 2 times फीड कर दिया, शाम के 8 बज रहे अभी, तो मैं अभी फीड नहीं करूँगा, अभी इनको कल सुबह फीड करूँगा। ये ओवर फीडिंग भी स्टार्टिंग के टाइम अच्छी चीज़ नहीं है, ये जितना खा रहे हैं स्टार्टिंग के जब आप खाना डालो, और जितना खा रहे हैं ख़त्म कर रहे हैं ये 4-5 minutes में, उतना ही बेटर है। हमारा पॉन्ड रेडी हो गया हमारे कछुओं के लिए, पॉन्ड नहीं बोल सकते, एक DIY सेटअप, छोटा सा पॉन्ड बोल सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी टू मेंटेन है और इजी टू सेटअप है, कोई भी कर सकता है, 10 साल का बच्चा भी कर सकता है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है या एकदम एक्वास्केपर अमानो वगैरह टाइप का कुछ किया नहीं हूँ मैंने, सिर्फ ग्रेवल डालो पानी डालो दैट्स इट, बस ये मनी प्लांट लगा दिया, तो इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोग भी कर सकते हो। और प्लीज़ ध्यान दो कि आप जब कछुआ ला रहे हो तो उसको थोड़ा अच्छे से केयर करो, उसको एकदम ऐसे टैंक्स में मत डाल दो स्टार्टिंग में, कछुआ थोड़ा पहले शैलो वाटर में रखो, उसको अच्छे से उसको हेल्थ की केयर करो, और फिर आपको चाहिए तो अपने मच्छियों के साथ डालो। बट जब आप ऐसे टैंक्स में भी डालते हो तो आपको कछुए के लिए बास्किंग एरिया देना पड़ेगा, तो मतलब यहाँ पर आपका सतह है तो आपको यहाँ तक यहाँ पर एक लगाना पड़ेगा कुछ, ताकि कछुआ वहाँ पर जाके रेस्ट कर सके, बस कछुआ पानी के अंदर रेस्ट नहीं करेगा आपका, कछुए को सतह के ऊपर रेस्ट करना पड़ेगा ताकि वो ऊपर अपना मुंह निकाल के सांस ले सके। ठीक है,
तो अगर आपको कुछ क्वेश्चन है या आपको कुछ सजेस्ट करना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और हाँ, हमारे कछुओं के नाम बता दीजिएगा अगर आपको कोई कुछ नाम सजेस्ट करना है तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय। Thank you.